Hello everyone, today we will solve from question 6 to 12 of exercise 5.2 class 10th NCERT main. And the question 6 is, check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5 and 2 and so on. हमें चेक करना है कि -50 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इसमें से एक एपी दे रखी है हमें 11, 8, 5 एंड 2. हमें चेक करना, इसी सीरीज का हम ऐसे लिखते रहें तो -150 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा. चलो करते हैं, है ना. इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 11, तो लिख लो a इज इक्वल 11. और d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 डायरेक्ट लिख सकते हो. 8 में से 11 गया तो कितना आ गया? d इक्वल टू आ गया -3. इट इज द वैल्यू ऑफ d. हमें कौन सा टर्म चेक करना है? -150 चेक करते हैं. तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो nth टर्म है. लेट एक मिनट, थोड़ा सा हाथ मुझे गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा ही कर लूँ. ओके, लेट -150 इज द nth टर्म. हमने मान ली जो सीरीज दे रखी थी ये इसका nth टर्म है. सीरीज क्या थी? 11, 8, 5, 2. तो nth टर्म है यानी कि an की वैल्यू क्या हो गई? तो nth टर्म दे रखा है -150, तो an इक्वल टू हो गया 150. अब an का फॉर्मूला लगा दो. an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल -150. द वैल्यू ऑफ ए वो थी 11. देखा हम, देखो ए 11 और डी -3 पुट कर देते हैं. तो ए की वैल्यू 11 प्लस एन -1 और डी है -3, तो -3 इज इक्वल -150. हमें करना क्या, हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में. सपोज करो एन बराबर 10 आ गया तो -150 क्या होगा? 10th टर्म. अगर एन बराबर 12 आ गया तो -150 कौन सा टर्म होगा? 12th टर्म होगा. लेकिन अगर n नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, पॉजिटिव तो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में आ जाए, तो -150 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं होगा. क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि n क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, या फिर नेचर नंबर बोल सकते हो. हमेशा क्या होगा? नेचर नंबर होता है. चलो सॉल्व करते हैं. तो 11 -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो -3n, ये तो जानते हो. माइनस का प्लस n में करेंगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3 इज इक्वल टू -150. ओके, और सॉल्व करते हैं. 11 प्लस 3 कितना हो गया? 14 -3n इज इक्वल -150. -150 को ले आते हैं तो 14 प्लस 150 इज इक्वल 3n, माइनस का राइट हैंड साइड में तो प्लस का n हो जाएगा. और ये कितना हो गया? 164 इज इक्वल टू 3n. तो n की वैल्यू क्या आ गई? तो n आ गया n इज इक्वल 164 अपॉन 3. डेसिमल में आता नजर आ रहा है क्योंकि 6, 4, 10 और 11 3 से कैंसिल हो गए, डेसिमल आ गया. तो डेसिमल लिख के इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो. 3, 5 जा 15, 1 बचा 14, 3, 4 जा 12. अब देखो क्या लिखेंगे, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. अब ये क्या हुआ? 54.66 कुछ आएगा तो 54.6 कोई टर्म नहीं होता है, तो 54 टर्म होगा या 55. कहने का मतलब n नेचर नंबर नहीं है, सिंपल सी बात. बस ये लिख दो, तो लिख दो बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. n इज नॉट अ नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, नॉट अ नेचुरल नंबर, सो माइनस 150 is not a term of given AP. तो क्या है? -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा 11, 8, 5, 2 का. अगर हम लिखते जाएंगे तो ये कोई भी टर्म नहीं बैठेगा, है ना. 11, 8, 5, 2 का कोई भी टर्म नहीं होगा. ओके, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 11 एंड द क्वेश्चन इज सॉरी कौन सा था 7 फाइंड द, दिखाता हूँ मैं, सॉरी 7 था. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73. हमें उस एपी का 30
नहीं, इलेवेंथ टर्म फाइंड करना है, इलेवेंथ टर्म फाइंड करना है जिसका, इलेवेंथ टर्म तो देखा मैं फिर गलत पड़ गया, थर्टी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जिसका इलेवेंथ टर्म दे रखा है 38 और 16 टर्म दे रखा है 73। चलो करते हैं, यहीं से लेते हैं। देखो इलेवेंथ टर्म दे रखा है मैं 38, इसे छोड़ो। तो इलेवेंथ टर्म क्या होता है, ए प्लस 10D, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 38। तो इसको डाल दो इक्वेशन वन। और क्या दे रखा था, 16 टर्म, फिर लिखोगे ए 16 ए 73। ए 16 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 15D। ये तो समझ में आ गया ना, वो 16 माइनस 1 एन माइनस 1 मैंने बता चुका हूँ पहले, डायरेक्ट लिखोगे आप 73। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ए की वैल्यू और टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले सॉल्व कैसे करने, आपकी मर्जी, कैसे भी सॉल्व करो, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट। मैं फर्स्ट सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। देखो ए से कैंसिल, चलो मैं सबट्रैक्ट करके दे रहा हूँ, ये इक्वेशन, ये मैंने सेकंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट कर रहे, तो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख ली, इट्स इक्वल 73। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ओरली होते सबट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखो हमने सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ए से कैंसिल, क्लियर ना। 15D में से 10D को सबट्रैक्ट करोगे, 15 में से 10 गया 5D, और 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। तो D 5 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दूँ। चलो एक क्वेश्चन में पूरा करके दिखाई देता हूँ कैसे कैंसिल करते हैं, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है, 5 1 जा 5 7 जा। तो D यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा इस AP का 7। अब क्या करें, इस D की वैल्यू को या तो A में पुट कर दो चाहे सेकंड में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस 10D, तो ए प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7, इज इक्वल टू 38, तो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70, तो कितना आ गया माइनस के 32, तो ए की वैल्यू निकलाई माइनस 32, और डी कितना निकल के आया था, डी था 7, ए था 32। 31st टर्म फाइंड करना है, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं 31st टर्म की वैल्यू, ए 31, अच्छा देखिएगा दिखाता हूँ, ए 31 क्या होता है, ए प्लस 30D वैल्यू पुट कर दो, तो ए 31 यानी कि 31st टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 10 में से 2 जाएगा 8, और 20 में से 3 गया, तो दिखाते हैं ए 31। अब मैं पेपर की तरफ निगाह रहती है, कैमरे बाद में जाता हूँ तब देखता हूँ, ऊपर नीचे हुए तो कर देता हूँ, है ना, ये तो आप समझ सकते हो। तो ए 31 आ गया 178, तो 31st टर्म ऑफ दिस AP विल बी 178। बहुत सिंपल है, सारे सब में ये फॉर्मूला लगा इस वाले सेक्शन में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन इज एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, वो कितने टर्म्स रखते हैं 50, यानी कि एन के वैल्यू दे रखी है 50। विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि ए 3 इक्वल टू 12, एंड द लास्ट टर्म क्या होगा, 50 टर्म है तो ए 50th टर्म इज 106, तो फाइंड द 29th टर्म। करते हैं, सिंपल है ये भी, ये ए पी बहुत सिंपल है ना, मैंने लिख लिया है यहाँ, कंसिस्ट 50 टर्म, तो एन बराबर 50, थर्ड टर्म दे रखा है 12, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म वो दे रखा है 106, लगाओ उसमें। तो पहले A3 ले लो, सॉल्यूशन यहाँ से करता है, और मैंने लिख लिया 29 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ से, ये तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रखा था, A3 इक्वल टू दे रखा है 12, और A3 क्या होता है, ए प्लस 2D इज इक्वल 12, इक्वेशन नंबर 1। और an का मतलब एन वाला 50 है, तो मैं 50th टर्म की वैल्यू दे रखी है, 50th टर्म इज इक्वल दे रखा है मैं 106, ये क्या होगा ए प्लस 40 90
इट्स इक्वल 106। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इससे पहले वाले तो सॉल्व कर चुका हूँ, अब आगे कुछ सॉल्व नहीं कर, डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो बस लिख देता हूँ क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी ऑप्टेन या वी गेट कुछ भी लिख लो। ए से ए कैंसिल हो गया, 49 में से 2d गए, कितने बचे 47d, और 106 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12, तो कितना हो गया 6 में से 2 गया 4, और 10 में से बन गया 994। 47 ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, 47 नीचे आता है, 47 बन जा 47 टू जा, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 2। ये 2d की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस 2d, इससे क्या होगा a निकलेगा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, वी गेट वन में पुट करें a प्लस 2d, फर्स्ट इक्वेशन ये थी a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू 2 है ना, चलो देख लिया आप दिखाता हूँ, पुट में कर दिया क्या हो गया a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, इट्स इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 टू जा 4, इट्स इक्वल टू 12, तो a इज 12 माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म इज 8, तो हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज 8। फाइंड क्या करना था हमें, 29th टर्म, तो 29th टर्म क्या होगा, a प्लस 28d, एक डी कम होता है, a की वैल्यू कितनी है 2, 28, 2 नहीं है सॉरी, a की वैल्यू है 8, है ना, a जरा 8, d की वैल्यू 2, तो ये हो गया 8 प्लस 56, और 56 प्लस 8 कितना हो गया 64, तो 29th टर्म ऑफ द गिवन ap विल बी 64। ओके क्लियर ना, आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, अब तो इजी लगने लगी होगी, है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है, एपी में फॉर्मूले बेस पर है, और भी आगे संभाली एक्सरसाइज आएगी वो भी इजी है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 9, एंड द क्वेश्चन इज इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो हमें ये बताना है एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। मैंने ये लिख लिया है, देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखा है एपी का 4, और 9th टर्म तो दे रखा है माइनस 8, तो हमें ये बताना है, मैंने रखे ऊपर लिख रखा है जीरो, कि कौन सा टर्म जीरो होगा। चलो करते हैं, पहले तो हम ए और डी निकालें इन्फॉर्मेशन से, तो ए थ्री बराबर क्या दे रखा है, ए थ्री इज इक्वल टू 4, तो ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, सॉल्यूशन इसका देखो ये शुरू से लिखेंगे हम कि ए थ्री इज इक्वल टू 4, तो a3 क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल 4, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दे रखा है a9, तो a9 इज इक्वल माइनस 8, और a9 क्या होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो देखो a से कैंसिल हो जाएगा, और 8d में से 2d को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6, तो 6d इज इक्वल टू माइनस 8, में से हमें माइनस 4 करना है, डायरेक्ट लिख देता है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, तो कितना आ जाएगा माइनस 12, और d इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12 अपॉन 6, और 6 से 12 कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, तो माइनस के 2, तो d की वैल्यू हो गई माइनस 2। अब क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस 2, और ये इक्वल दे रखी है 4, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, मैं बार क्या दिखाऊं बोल रहा हूँ, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4,
वैल्यू ऑफ ए इज 8, हमें ए भी मालूम है डी भी मालूम है, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे लेट एनथ टर्म ऑफ ए पी इज जीरो, हमने मान लिया एनथ टर्म जीरो है यानी कि ए एन इज इक्वल टू जीरो। हम फॉर्मूला लगाएंगे और एन की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। देखें फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ये तो जनरल टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला, ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 प्लस एन माइनस वन एंड द डी इज माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। 8 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, 2 के एन में करेंगे 2n, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2। 8 और 2 दोनों प्लस के तो प्लस के 10, माइनस 2n इज इक्वल टू जीरो, तो 10 इज इक्वल 2n, 2 नीचे आ जाएगा या डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप मैं सॉल्व कर दूँ, जिसको आता है वो तो समझ ही रहा है, जिसकी मैथ थोड़ी वीक है उसके लिए अच्छे फायदेमंद है और जिसको आता है उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, है ना, इसलिए मैंने सब स्टेप बाई स्टेप कर दिया। तो एन इक्वल टू 5, एन आ गया 5, तो क्या लिख देंगे, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द गिविन ए पी विल बी जीरो। फिफ्थ टर्म ऑफ गिविन ए पी, जो हमें ए पी दे रखी है उसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, जीरो विल बी जीरो। बाहर संगीत चल रहा है, संगीत का आनंद ले लो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, मुझे तो सुनाई दे रहा है ना। अब मैं इन सब चीज़ के, होम कैमरा हिला, सब चीज़ के आनंद लेता हूँ, बाइक की आवाज़ निकलती है उसकी आनंद ले लेता हूँ, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही उनको भी कहीं ना कहीं जाना ही है, हमें वीडियो बनानी ही बनानी है ना। ओके चलो आनंद लीजिए संगीत के, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन इज, कहाँ गया वही 10, द 70th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। इसका मतलब क्या है, जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो 10th टर्म की जो वैल्यू उसमें प्लस 7 कर दें तो किसके इक्वल आएगा 17। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 17 टर्म दे रखा है हमें 10th टर्म से 7 अधिक, 17 टर्म की वैल्यू लगा दो क्या होती है, ए प्लस 16 डी। 10th टर्म क्या होता है, ए प्लस 9 डी इज इक्वल 7। ये तो पता है ना, काट दूँ, वो साइड पॉजिटिव है, ए का कोफिशन भी सेम है 1 है, तो ए से कैंसिल, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया तो 7D इक्वल टू 7, 7 नीचे आएगा, 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ, राइटिंग अच्छी नहीं ज़्यादा मेरी, ए पी इज 1। छोटा सा सवाल था, इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 11। नाउ क्वेश्चन 11 एंड द क्वेश्चन इज, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। करते हैं, इसमें हमें गिवन क्या है, एक ए पी दे रखी है 3, 15, 27, 39 and so on। तो चल पहले इस ए पी के बारे में डिस्कस कर लें, डिस्कस कर वैल्यू लिख लें, ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3 और डी कितना है 8, वही ए टू माइनस ए वन, 15 में से 3 गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, 8 नहीं 12, सही रहा लिख लेना, डायरेक्ट 8 लिख देता अभी गलत हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 12 और वैल्यू ऑफ ए ऑफ गिविन ए पी इज 3, क्लियर। अब इसमें ये पूछा है कि विच टर्म विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म। चलो पहले 54 टर्म की बात चल रही है, तो हम पहले 54 टर्म ही निकाल लें। 54 क्या होता है, ए प्लस 53 डी, ए की वैल्यू पुट कर दें, द वैल्यू ऑफ ए इज 3 प्लस 53,
इनटू डी, द वैल्यू ऑफ डी इज 12, 3 प्लस 12, 3 या 36 और 63 हो गया, 12 + 6 = 60, हाँ ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो 639। तो ये वैल्यू निकलाई 54 टर्म की। अब ये पूछा किस टर्म की वैल्यू इससे 112 था, चेक कर लो जरा क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 132 मोर है। तो हम मान लेते हैं एन एटम में लेट एनएथ टर्म बी 132 मोर देन 54 टर्म, ऐसे लिख देना हो ना, शॉर्ट में या 54th लिख देना, 54 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एनएथ टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी 54 टर्म से 132 मोर देन। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए डी की वैल्यू मुझे पुट करनी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम में लिख दूंगा। ए 54 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 639, 639 प्लस 132, ए की वैल्यू एपी में थी 3, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी था 12, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और सॉरी 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, ओके चलो अंदर मल्टीपल कर ही लेता हूँ। 12 का मल्टीपल कर दा 12 एन माइनस 12 बन जाए 12, एक तरीका और था 3 से डिवाइड कर देता 7 7 14 और 15 3 से डिवाइड भी हो सकता था, चलो अब ये कर दिया तो इसी तरीके से करते हैं 7 7 1। तो ये हो गया 12 n, 3 में से 2 सबट्रैक्ट करें तो n लिखना भूल गया, 3 में से 2 सबट्रैक्ट कर तो प्लस 1 7 7 1 1 उधर जाएगा, तो 12 n इज इक्वल टू 7 7 1 माइनस 1, 12 n इज इक्वल टू 7 7 0 और 72 और 5, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा और 54 टर्म ही दे रखा था, कैंसिल तो होना चाहिए नहीं तो कोई टर्म ही नहीं आएगा, कहीं देखते हैं कहीं मिस्टेक है नहीं। अब हम क्या मतलब समझ में आ रहे हैं, हम एन से डिवाइड करेंगे तो 12 सिक्स जा 72 और 5 बचा, या तो 6 बचना चाहिए या तो यहाँ गलती कर रहे हैं हम, चेक करें कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। डी की वैल्यू 12 दे रखी है हमें, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू तो 12, ओह ये है ठीक है मिल गया 12 माइनस 12 है ना, देखो 12 बन जाए 12, ये बन लिखना रह गया, कहाँ गलती पकड़ में आई, यहाँ भाई हमने जब डिवाइड करा तो जान ही रहा है, और ये पता है कि टर्म में तो n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, तो 12 बन जाए 12, तो चलो सही रहा यहीं पकड़ लिए तुरंत। 3 में से 12 जाएंगे तो अब ये कर दो ना माइनस 9 है, समझ गए ना, कर लोगे इस, और माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9, चलो ये तो 8 तो मैं बना दूंगा 780, ओके तो 12 एन आ गया 780, तो एन की वैल्यू क्या होगी, कर दूँ ना 12 सिक्स जा 72, 5 तो 6 बचा और 12 5 जा तो 65 आ गया, तो कौन सा टर्म होगा 65th टर्म 54 टर्म से 132 मोर देन होगा, लिखना चाहो लिख दो, चलो लिखवा देता हूँ, तो लिख दो हैंस 65th टर्म ऑफ एपी विल बी 132 एक्सीड या मोर देन किस टर्म से 54th टर्म। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 11, नाउ वी विल सॉल्व, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इस क्वेश्चन में दो APs दे रखी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अच्छा इस क्वेश्चन है करते हैं, चलिए इसमें हमें ये दे रखा है डिफरेंस दे रखा है 100 टर्म का 100, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसमें 100 ही आएगा,
कैसे आएगा? देखो एक चीज़, अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो हम डायरेक्ट बता देते हैं 100, आपको बता देते हैं। देखो दो एपी हैं, मान लो एक एपी में बनाना है 27, चलो 3 का डिफरेंस है 24, फिर कितना आएगा, 3 का डिफरेंस लेंगे तो 21 एंड सो, नेक्स्ट एक और लिख रहे हैं 18 एंड सो ऑन। एक और एपी बना लो, कोई सी बनाओ जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 3 होना चाहिए, कुछ भी बना लो। चलो मैंने बना ली 2 से बनाते 2 में 3 ऐड करोगे 5, 5 में 3 ऐड करोगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, हाँ बताऊंगा क्या, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहा, माइनस में प्लस में सेम होना चाहिए, तो उल्टा लिख लो से 5 3 3 प्लस कर दो 8 11 14 एंड सो ऑन। सही है, 3 में एट 8 3 11 ओके, 5 में 3 ऐड करोगे 8 और 7 में ओहो सही तो बना रहा था, क्या उल्टा उल्टा कर दिया, पहले सही था ये, इसमें से बढ़ी तो सब कट गए माइनस, तो हमने करा 8 3 कम कर लो 5 में से 3 कम कर 2 में से 3 कम करोगे माइनस 1 एंड सो ऑन। मैं समझा क्या रहा हूँ, समझ लो, देखो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 3, इसका भी कितना है माइनस 3, तो अब क्या होता है, कोई सा भी टर्म ले लो, मतलब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लिया 27 में से 18 गए तो कितना बचा 19 बचा, तो कोई सा भी ले लो, अब हमेशा टर्म का डिफरेंस ही आएगा। हमने देखो लास्ट वाला ले लिया 18 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो कितना आ गया 19। तो कहने का मतलब अगर कॉमन डिफरेंस दो एपी का सेम है तो उनके कोई से भी टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट सेम रहता है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म का 19 आ रहा है तो सेकंड टर्म का डिफरेंस देखो 19 ही आएगा, फोर्थ का फोर्थ, कोई सा भी लो 100 टर्म लो 19 टर्म, तो इसमें देखा था मैं 100 टर्म का डिफरेंस 100 तो 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है तो 100% आंसर 100 ही आएगा। लेकिन करेंगे कैसे, ये तो रही बात और रही है ना, तो करने का तरीका देखते हैं। इसमें दो सीरीज दे रखी है, इसको मैंने समझाया था, इसको प्लान कर, तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है बाकी सब अलग है, देखो अलग तो फर्स्ट टर्म अलग था, तो क्या करेंगे, हमसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, तो लिखो लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया इनके फर्स्ट टर्म क्रमशः क्या है A1 A2 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः A1 A2 है ओके, कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस खाली D मान के, D1 D2 की जरूरत नहीं है, केवल D मान लो, एंड द कॉमन डिफरेंस वी डी, और हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस D है। हमें गिवन क्या है, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड सीरीज या सेकंड एपी, तो लिखो 100 टर्म था, हाँ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिफरेंस का होता है माइनस 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी, और ये हमें दे रखा था 100, एक बार मैं देख लूँ 100,000 में थोड़ा कन्फ्यूज होगा, 100 देखा था 1000 टर्म दे रखा था, 2 एपीज 100 टर्म होके यही है सेम है। तो देखो फर्स्ट टर्म का 100 टर्म क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म क्या माना हमने A1, तो A1 प्लस 99 डी, तो सेम है सोनू में, माइनस सेकंड टर्म का 100 टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म ने माना A2, तो A प्लस एन माइनस 1, 100 में से बन गया 99, कॉमन डिफरेंस सेम है इज इक्वल टू 100, समझ में आ रही बात। अब देखो ये क्या हो गया, A1 प्लस 90 माइनस A2 माइनस माइनस का मल्टीपल कर रहे हैं 90 इज इक्वल 100, 90 प्लस का 90 माइनस का कैंसिल, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो हमें ये पता चल गया इससे कि दोनों AP के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो 100 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इसे हटाओ बीच में आ गया, तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल लो, आएगा क्या आंसर, अभी ऊपर तो बताया था 100 ही आएगा, तो चलो जल्दी क्या लिखते थे हम, तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट को ऐसे लिख दे रहा हूँ स्पेस यहाँ, फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ
सेकेंड ए पी, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये पी है डी नहीं है। ओके तो 1000 तो हम फर्स्ट ए पी का क्या होगा, ए वन प्लस 999 डी, एक डी कम होता है अब तो रट गया होगा आप लोगों सबको। सेकेंड का क्या होगा, ए टू प्लस 999 डी, ये फाइंड निकालना है, फाइंड करना है। तो ये हो गया ए वन प्लस 999 डी, माइनस का मल्टीपल करा, माइनस ए टू माइनस 999 डी। बड़ी आवाज़ आती है, म्यूजिक सुनाई देता है, बाइक का सीटी, कुकर की सीटी भी आवाज़ है, कहीं ना कहीं खाना बनना होगा, शाम हो रही है भाई, हमें पढ़ाना है, गृहणियों को खाना बनाना है और बच्चों को घूमना है तो हर तरह की आवाज़ आ रही है, सुन रहे हो गया आप, ये सब फ्री है मेरे साथ, मेरी कोचिंग में ही फ़ायदा है आपको, ये अलग अलग तरह की आवाज़ फ्री मिलेंगी, ट्रेन की आवाज़ भी आती है। तो ये क्या हो गया, ए वन माइनस ए टू, ओके इसका कोई चार्ज नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, ए वन माइनस ए टू कितना, 100, तो ये कितना आ गया 100, तो क्या हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी 100, लिख लेना चाहिए नीचे, चलो लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन करूँगा आज। डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, देयर से मतलब एपी का ना, विल बी 100, 100 की रेखा था, 100 टर्म का डिफरेंस 100, 1000 का भी 100, कोई सा भी टर्म पूछे डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा। 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई है, ओके चलो अब स्टॉप करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे, 20 क्वेश्चन है तो एक या दो वीडियो में हम इसको खत्म कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वीडियो, है ना, वीडियो देखिए आप और आराम से क्वेश्चन करिए, जो कोई भी आपको डाउट हो वो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं उसको दूर करूँगा, पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि उसी दिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और हाँ, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम सबके नज़दीक है, बहुत से शुरू हो गए होंगे, बोर्ड के भी शुरू हो गए हर जगह, है ना, तो मन लगा के पढ़ाई भी करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएँ, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।